You all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima, going to start today's topic, that is trends in pediatric nursing. So previous two classes में हमने trends of pediatric nursing discuss किया था, जिसमें कुछ points हमने detail में देखे थे, जिसमें से prevention of disease and promotion of health, cost containment, primary nursing, case management, atraumatic care, family centered care, high technology care and improvement in diagnosis and treatment, play in school and hospital, evidence-based practice, child-oriented environment and flexible visiting hour. ये सारे points हमने discuss कर लिए हैं previous two classes में. तो आज हम discuss करेंगे इन सारे trends की. Rooming in, parent support group, emergency unit, preconception counseling, female special care, collaborative approach. तो बात करते हैं rooming in की. रूमिंग इन क्या होता है? रूमिंग इन का मतलब होता है जहाँ पर मदर और बेबी को साथ में रखा जाए, मदर और बेबी को एक ही रूम में रखा जाए, उन्हें पास में रखा जाए ताकि वो प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सकें उन्हें, और जो बेबी और मदर के बीच में बॉन्डिंग होती है वो भी अच्छी हो. रूमिंग इन इज़ द प्रैक्टिस फॉलोड इन हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स वेयर द बेबीज क्रिब इज केप्ट बाई द साइड ऑफ द मदर्स बेड. रूमिंग इन एक प्रैक्टिस है जो कि हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स द्वारा फॉलो किए जाते हैं, प्रैक्टिस में लाए जाते हैं, जिसमें कि जो मदर जो बेबी का क्रीब होता है वो मदर के बेड के साइड में लगा रहता है. दिस अरेंजमेंट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट टू नो देयर बेबी. ये अरेंजमेंट जो होता है वो अपॉर्चुनिटी देता है पेरेंट को कि वह अपने बेबी के बारे में जान सके. द बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड इज वेल इस्टेब्लिश्ड इन रूम्ड इन बेबीज. जो रूम्ड इन बेबीज होते हैं, मतलब जो मदर और बेबीज एक ही रूम में होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो वेल स्टेबलाइज्ड होता है, वो स्ट्रांग होता है. पेरेंट्स यूजुअली मदर्स ऑफ सीरियसली इल चिल्ड्रेन मे बी एनकरेज टू स्टे इन हॉस्पिटल. जो भी सीरियसली इल चिल्ड्रेन होते हैं उनके मदर को एनकरेज किया जाता है कि वो बेबी के पास ही रहें, वो हॉस्पिटल में ही रुके ताकि अपने बेबी को देख सके, जिससे उनका साइकोलॉजिकल कंडीशन जो होगा वो ठीक रहेगा और जो भी स्ट्रेस उनका है वो तो कम होगा ही, एंजाइटी जो उनकी कम होगी, साथ में जो चाइल्ड है वो भी अपनी मदर को देखकर, अपने पेरेंट्स को देखकर अच्छा फील करेगा और उसका भी जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा और उसको भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा. सम हॉस्पिटल्स हैव रूम्स इन पीडियाट्रिक यूनिट वेयर पेरेंट्स में स्लिप. कुछ हॉस्पिटल्स में क्या है कि पीडियाट्रिक यूनिट में रूम बनाए गए हैं जहाँ पर पेरेंट्स जो है स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट ट्रेंड हम बात करते हैं केयर बाय पेरेंट सपोर्ट ग्रुप. पेरेंट सपोर्ट ग्रुप बनाए गए हैं कुछ हॉस्पिटल्स में. सम हॉस्पिटल स्टार्टेड पेरेंट सपोर्ट ग्रुप. सच ग्रुप आर कंडक्टेड बाय नर्सेस. इन दोज ग्रुप नॉन थ्रेटनिंग एटमोसफियर इज प्रोवाइडेड वेयर पेरेंट्स मे फील कम्फर्टेबल एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग टू रिलीव एंजाइटी एंड स्ट्रेस. यह जो ग्रुप बनाया गया है पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, पेरेंट्स के सपोर्ट के लिए बनाया गया है, जिसमें कि उन्हें एक नॉन थ्रेटनिंग एटमोसफियर प्रोवाइड कर सके, जिसमें कि वह अपने जो भी एंजाइटी है उनका, जो भी स्ट्रेस उनको हो रहा है अपने चाइल्ड की कंडीशन को देखकर, चाइल्ड के इलनेस से रिलेटेड, उसको कम कर सकें या फिर वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें और जो भी टीम पेरेंट सपोर्ट ग्रुप टीम के मेंबर हैं उनसे एक्सप्रेस करके अपनी फीलिंग को उन्हें बताएं, और जिससे कि वो उन्हें एक कंफर्ट फील होगा और जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप के मेंबर हैं वो पेरेंट्स को कंफर्ट फील करवाएंगे, जिससे कि वो उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और पेरेंट्स का जो एंजाइटी का लेवल है, जो भी एंजाइटी और स्ट्रेस है उनके अंदर, वो कम होगा. सो नेक्स्ट ट्रेंड से इमरजेंसी यूनिट. इमरजेंसी यूनिट फैसिलिटीज वेयर इमरजेंसी केयर इज गिवन मे बी लोकेटेड इन हॉस्पिटल इमरजेंसी. जहाँ पर इमरजेंसी केयर प्रोवाइड किया जाता है यह हॉस्पिटल इमरजेंसी में भी लोकेटेड हो सकता है. द एक्टिविटीज ऑफन सीन इन द इमरजेंसी रूम मे बी वेरी फ्राइटेंड टू चिल्ड्रेन. जो एक्टिविटीज होती हैं इमरजेंसी रूम में वो चिल्ड्रेन के लिए बहुत ही फ्राइटन होती हैं, भयानक होती हैं. चाइल्ड कोई कोई चाइल्ड देख के उनको फियर होता है और डर जैसा माहौल हो जाता है उनके अंदर. तो टू रिड्यूस एंजाइटी व्हेन इमरजेंसी डज ऑकर दे में भी टेकें. तो इससे क्या होता है कि इमरजेंसी यूनिट अलग से अगर रहेगा तो ये जो चाइल्ड को देखकर इमरजेंसी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उन्हें देखकर जो भी फ्रैक्चर की कंडीशन आ रही है वो नहीं होगी, और जो एंजाइटी हो रही है बच्चों में वो रिड्यूस होगा, वो कम होगा.
नेक्स्ट बात करते हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। हेल्थ एजुकेशन और प्रमोशन देना प्री प्रेग्नेंट पीरियड में, मीन्स कंसेप्शन से पहले। प्री कंसेप्शन मीन्स कंसेप्शन से पहले काउंसलिंग मीन्स एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो द गोल ऑफ प्री कंसेप्शन केयर इज हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। हेल्थ एजुकेशन देना, हेल्थ प्रमोशन करना, रिस्क असेसमेंट, जो भी रिस्क आने वाले हैं उनको असेस करना, एंड इंटरवेंशन बिफोर प्रेगनेंसी टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ पुअर पेरिनेटल आउटकम्स। और इंटरवेंशन बिफोर प्रेगनेंसी के बिफोर अगर कोई रिस्क है या फिर कोई भी डिजीज कंडीशन है तो उन्हें ट्रीट करना प्रेगनेंसी से पहले, ताकि जो बाद में पेरिनेटल आउटकम्स, जो पुअर पेरिनेटल आउटकम्स होने के चांसेस हैं उन्हें रिड्यूस किया जा सके। तो जो गोल है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का, वो मेन यही है कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें, हेल्थ को प्रमोट करें, और जो भी रिस्क है प्रेगनेंसी से रिलेटेड होने वाले उन्हें असेस करें। फिर अगर रिस्क है या फिर कोई प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड, तो उन्हें ट्रीट करें, उन्हें इंटरवेंशन प्रोवाइड करें, ताकि जो पेरिनेटल पीरियड में आउटकम्स हैं वो अच्छा हो और जो भी पुअर आउटकम्स हैं उन्हें रिड्यूस कर सकें। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इन्वॉल्व हेल्थ केयर बिफोर एंड बिटवीन द प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि एजुकेशनल प्रोफेशनल के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, और वीमेन और गर्ल को वायलेंस से प्रिवेंट करके रखा जाता है प्री कंसेप्शन स्टेज में, और हेल्दी इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, और सोशली एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप प्रोवाइड किया जाता है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि उन्हें एक सोशली सपोर्ट प्रोवाइड होगा, सोशली सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि जो प्री कंसेप्शन स्टेज में जो वीमेन और गर्ल्स को जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो नहीं होंगी। तो सोशल सपोर्ट एक तरह से उन्हें प्रोवाइड मिलेगा, और उनके न्यूट्रिशन और इमोशनल सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड ध्यान देना है, लाइक सप्लीमेंटेशन वगैरह। इफ अगर कंजेनेटल एनोमलीज के चांसेस हैं या फिर अदर चांसेस हैं, तो उनमें क्या होगा कि उन्हें डिटेक्ट करके उन्हें फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराना, या फिर प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में बताना, कोई भी डिजीज और एडिक्शन है तो उन्हें स्क्रीन करना, उन्हें प्रिवेंट कैसे करना है, या फिर कोई डिजीज है तो उन्हें ट्रीट कैसे करना है, ये सारे चीज़ों के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना। इसके बाद गुड मदर चाइल्ड हेल्थ कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं इनके बारे में एजुकेट करना, ये सारी चीज़ें प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के अंदर आएंगी। ओके, सो नेक्स्ट फीमेल स्पेशल केयर। नेक्स्ट ट्रेंड है फीमेल को स्पेशल केयर प्रोवाइड किया जाना। अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ फीमेल चाइल्ड एज सी इज फ्यूचर मदर। क्यों? क्योंकि वह फ्यूचर मदर है, आगे चल के वो मदर बनेंगी, इसलिए जो गर्ल चाइल्ड है उस पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है। इट इंक्लूड्स हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंटेशन। ये इंक्लूड करता है हेल्थ एजुकेशन को, हेल्थ एजुकेशन बराबर से प्रोवाइड करके, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करके, और सप्लीमेंटेशन के थ्रू फीमेल को स्पेशल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड है और लास्ट ट्रेंड है कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोलैबोरेटिव अप्रोच, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक कोलैबोरेटिव मैनर में काम करना पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, मीन्स ज्वाइंटली वे में अदर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करके, प्रॉपर कम्युनिकेट करके कोलैबोरेटिव मैनर में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये है लेटेस्ट ट्रेंड पीडियाट्रिक नर्सिंग का। तो ये सारे ट्रेंड्स हमने डिस्कस किए हैं आज, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन से सारे ट्रेंड्स पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर आएंगे। तो हमने देखें प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कॉस्ट कंटेनमेंट, केस मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल विजिटिंग आवर्स, ऑटोमेटिक केयर, प्राइमरी नर्सिंग, केयर बाय पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, रूमिंग इन, चाइल्ड ओरिएंटेड एनवायरनमेंट, EBP, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, फैमिली सेंटर्ड केयर, कोलेबरेटिव केयर, हाई टेक्नोलॉजी केयर, एमरजेंसी यूनिट, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, फीमेल स्पेशल केयर। सो ये सारे ट्रेंड्स थे जो हमने डिस्कस किए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।